हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है राज रसोई में। आम खाना सभी को बहुत पसंद होता है और आम से बनी कोई भी चीज हो खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। तो आज हम बनाएंगे समर स्पेशल मैंगो कुल्फी। मैंगो कुल्फी बनाना बहुत ही आसान है। मैंगो कुल्फी को हम बिना गैस जलाए बिना किसी झंझट के बना के तैयार करेंगे। तो मैंगो कुल्फी बनाने के लिए मैंने आम लिए हैं, आम को पहले ही धो लिया है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर 2 दशहरी आम लिए हैं। आप आम कोई भी क्वालिटी के छोटे या बड़े ले सकते हो और आम को छील के तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हम जब तक आम छील के तैयार कर रहे हैं तब तक आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मैंने दोनों आम छील के तैयार कर लिए हैं और अब हम आम को इस तरीके छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर इसका सारा पल्प निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, हम इस तरीके से इंस्टेंट मैंगो कुल्फी आसानी से बना के तैयार कर सकते हैं बिना किसी झंझट के। ये बहुत ही आसानी से बन जाती है। तो मैंने दोनों आम को काट के तैयार कर लिया है और अब एक मिक्सी का जार लेंगे और उसमें सारा मैंगो पल्प डाल देंगे। और अब हम इसमें चीनी डालेंगे। तो मैं यहाँ पर 3 चम्मच चीनी डाल रही हूँ। चीनी आप अपने टेस्ट के अनुसार डालें और इसको 1 मिनट के लिए चला लेंगे। और ये देख सकते हो, मैंने इसको 1 मिनट के लिए चला लिया है और मैंगो पल्प अच्छे से तैयार है। तो अब हम इसमें मलाई डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच दूध की मलाई ली है तो इसमें डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, आप मलाई की जगह क्रीम भी डाल सकते हो और 2 चम्मच मिल्क पाउडर डालेंगे और आधा गिलास दूध डालेंगे। तो फ्रेंड्स, मलाई और मिल्क पाउडर डालने से कुल्फी हमारी एकदम क्रीमी बनेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास मलाई थोड़ी ज़्यादा हो तो आप इसमें मलाई 2 की जगह 4 चम्मच भी डाल सकते हो। और इसको 1 मिनट के लिए फिर से चला लेंगे। तो ये देख सकते हो, देखने में ही हमारा कुल्फी का मिक्सर कितना क्रीमी लग रहा है। और हमारे मिक्सर का टेक्सचर ऐसा क्रीमी होना चाहिए तभी हमारी कुल्फी टेस्टी बनेगी। तो मैं कुल्फी को पेपर कप में जमा के तैयार करूंगी। अगर आप चाहो तो मोल्ड्स में भी कुल्फी जमा सकते हो। तो मैंने 6 पेपर कप लिए हैं और इसमें कुल्फी के मिक्सर को इस तरीके से भर देंगे। और हमें पेपर कप को किनारों तक नहीं भरना है, थोड़ा कम ही रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे कप को भर लिया है और थोड़ा मिक्सर बच गया है। तो सारे गिलास को हल्का हल्का इस तरीके से टैप कर देंगे और बचे हुए मिक्सर को भी 1 गिलास में भर देंगे। और अब हम इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए थोड़े से पिस्ता डाल देंगे जिससे ये हमारी कुल्फी देखने में और भी ज़्यादा सुंदर लगे। तो मैंने सारे गिलास में पिस्ता डाल दिए हैं और अब सारे गिलास को अच्छे से सिल्वर की फॉइल से इस तरीके से कवर कर देंगे ताकि कुल्फी के ऊपर बर्फ की परत जम जाती है वो ना जमे। तो सारे गिलास को इस तरीके से अच्छे से कवर कर देंगे। तो सारे गिलासों को अच्छे से कवर कर लिया है और अब हम इनको जमने के लिए 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो 1 घंटे के बाद फ्रीजर से मैंने सारे गिलास को बाहर निकाल लिया है और अब हम इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा इस तरीके से कट लगाएंगे और इसके अंदर स्टिक लगा देंगे। तो सारे गिलास में इस तरीके से स्टिक्स लगा दें। तो फ्रेंड्स, मैंने सारे गिलास में स्टिक्स लगा दी हैं और अब इन गिलास को रात भर के लिए या 8 से 10 घंटों के लिए फ्रीजर में रख दें ताकि कुल्फी अच्छे से जम जाए। तो फ्रेंड्स, कुल्फी को मैंने रात भर के लिए फ्रीजर में रख दिया था और अब कुल्फी को निकाल लिया है। तो देख सकते हो कुल्फी हमारी कितनी परफेक्टली जम के तैयार हुई है। तो अब हम कुल्फी को निकालेंगे। तो फ्रेंड्स, डिस्पोजल गिलास में कुल्फी को निकालना बहुत ही आसान है। इस तरीके से गिलास को फाड़ के आसानी से निकाल सकते हैं और ये देख सकते हो कुल्फी हमारी कितनी परफेक्ट जम के तैयार हुई है। तो इस तरीके से सारी कुल्फी को निकाल लेंगे और मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ। ये देख सकते हो कुल्फी को निकालना कितना आसान है, बहुत ही आसानी से निकल जाती हैं, ये देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, सारी कुल्फी को मैंने 1 प्लेट में निकाल लिया है और इनके ऊपर थोड़ा सा पिस्ता डाल दिया है। तो ये देख सकते हो कुल्फी देखने में ही कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है। तो ये खाने में तो और भी ज़्यादा टेस्टी है। और अब हम गिलास की आइसक्रीम को भी निकाल लेंगे। तो ये देख सकते हो गिलास वाली आइसक्रीम भी कितने अच्छे से जम के तैयार हुई है। तो गिलास को इस तरीके से उठाकर दोनों हाथों से घुमाएंगे और हल्का हल्का इस तरीके से टैब करेंगे
तो आइसक्रीम आसानी से निकल जाएगी। और अब आइसक्रीम को छोटे छोटे पीस में कट कर लेंगे। तो मैंने इस आइसक्रीम को भी आसानी से कट कर लिया है। आइसक्रीम को कट कर लिया है और आइसक्रीम के ऊपर थोड़ा सा पिस्ता डाल देंगे ताकि आइसक्रीम देखने में और भी ज़्यादा अमेजिंग लगे। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हो मैंगो कुल्फी बनके तैयार है। देखने में ही कितनी लाजवाब लग रही है। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक करें। तो फ्रेंड्स, आम के इस सीजन में अगर आपने मैंगो कुल्फी अभी तक नहीं खाई है तो प्लीज़ इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और यकीन मानिए आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। और आप देख सकते हो मैंगो कुल्फी का टेक्सचर कितना लाजवाब है। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो रेसिपी को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।